देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @news9liveTV। नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर जश्न समाचार। देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में शुमार जमीयत उलमाए हिंद ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो बड़े ही धूमधाम के साथ गाजियाबाद के विजयनगर में मनाया, जहां सभी समुदाय के लोगों ने पहुंचकर अपनी एकता, अखंडता और सामाजिक एकता का परिचय दिया। समय समय पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल देशभक्त की जेत जगा रहा था। वहीं दूसरी ओर जमीयत उलमाए हिंद के प्रवक्ताओं ने हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए सभी लोगों को याद किया और इस मौके पर मौजूद सभी लोगों को उनकी कुर्बानियों के बारे में बताया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के बारे में और मुल्क को मिले वोट देने के अधिकार के बारे में बात करके लोगों को हिंदुस्तान की एकता अखंडता को कायम रखने की बात कही। वहीं लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर एक उत्साह का माहौल रहा और लोगों में उत्साह देखने को भी मिला, जहां एक तरफ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तिरंगे को लेकर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मंच पर बैठे सभी धर्मों के लोग यह प्रतीत करा रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी गंगा जमुना का तहजीब कायम है और कायम रहेगी। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए गाजियाबाद से श्याम राजपूत की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम आप सभी को कहना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का जो हमें आज गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है, आपने जमीयत उलमाए हिंद रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। देखिए, हमारा मुल्क जो कि जमहूरी मुल्क है और संविधान से चलता है, और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारा संविधान लिखा, उसको आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम जो है उस खुशी में गणतंत्र दिवस मनाए। और जैसे कि आप हर समुदाय के लिए हमेशा काम करते ही रहते हैं, तो आगे कहाँ देखते हैं आप आने वाले टाइम में जमीयत उलमाए हिंद को? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद जो है सबके लिए काम करती है, जहाँ भी जमीयत की ज़रूरत पड़ती है जमीयत वहाँ पर मौजूद होती है। अगर कहीं भी जमीयत की ज़रूरत होगी तो जमीयत वहाँ पर मौजूद होगी, जहाँ जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उसी हिसाब से काम करती है। जमीयत चूँकि किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करती, यहाँ पर पूरे मुल्क के लिए जमीयत के लिए जो है सबसे पहले मानवता है, उसके बाद जाति धर्म, हम मानवता के लिए काम करते हैं। जश्न समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी और भी ऐसे इन तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज 9 लाइव टीवी पर। आप चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।